वेलकम बैक। तो आज हम लोग ई कॉमर्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे डेटा वेयर हाउस और इसके रिलेटेड टॉपिक्स जितने भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा हाउस होता क्या है और सब कॉन्सेप्ट क्या है। द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग इज दैट डेटा स्टोर्ड फॉर बिजनेस एनालिसिस कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली एक्सेस्ड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम डेटा इन द ऑपरेशनल सिस्टम्स। तो बेसिकली डेटा वेयर हाउस होता है कि जहाँ पे सारा आपका डेटा स्टोर होता है एक वेयर हाउस के अंदर। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट या यूज होता है कि जितना भी आपका बिजनेस का सारा डेटा को स्टोर करना या एनालिसिस करना। और ये वेयरहाउस इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग बहुत जल्दी और एफिशिएंटली एक्सेस कर पाए इसको अपने यूज के लिए, सिस्टम यूज के लिए। अब देखते हैं डेटा वेयरहाउस इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन दैट इज क्रिटिकल टू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ एंटरप्राइज इनिशिएटिव्स। तो डेटा बहुत जरूरी है आपका फ्यूचर ग्रोथ के लिए, एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, तो उसको स्टोर करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, इसके लिए डेटा वेयरहाउस काम होता है। डेटा वेयरहाउस इज मोर देन आर्काइव फॉर कॉर्पोरेट डेटा एंड मोर देन द वे ऑफ एक्सेसिंग कॉर्पोरेट डेटा। तो ये बेसिकली डेटा स्टोर करना नहीं, आजकल ये हो गया है कि कैसे नया तरीका से इसको एक्सेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे एक डेटा वेयरहाउस का डेफिनेशन। तो डेटा वेयरहाउस वाज कॉइंड बाय बिल इन मोन इन 1990 व्हिच ही डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। तो ये कोटेड है, अ वेयरहाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो अभी हम लोग ने जो चार वर्ड्स देखे हैं, चलिए उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? डेटा दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ अबाउट अ कंपनीज ऑनगोइंग ऑपरेशन। तो जिस चीज के बारे में हम लोग सेव कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं उसी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हुआ? डेटा इज गैदर्ड इन टू डेटा वेयरहाउस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड मर्ज इन टू अ कोहेरेंट होल। मतलब वही जो इंपॉर्टेंट डेटा को एक साथ रखना, ग्रुपिंग करना, इंटीग्रेट करना, वही। टाइम वेरियंट, ऑल डेटा इन द वेयरहाउस इज आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब जो भी डेटा को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं सब के लिए अलग होता है। जैसे सपोज कर लीजिए आप गुड्स के लिए अलग टाइम लग रहा है, सेलिंग के लिए अलग टाइम लग रहा है डेटा एक्सेस करने का, बस वही तरीका है, वही मीनिंग है। नॉन वोलेटाइल, डेटा स्टेबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोर डेटा इज एडेड बट डेटा इज नेवर रिमूव। डेटा कभी रिमूव नहीं करता, एड होते रहता है हमेशा। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउस इट अलाउज एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस एंड लेगेसी सिस्टम्स टू कंटिन्यू इन ऑपरेशन। मतलब जितने भी पुराने सिस्टम्स है उसको डिलीट नहीं कर रहा है, या ट्रांजैक्शंस और लेगेसी सिस्टम्स को कंटिन्यू हो रहा है, ना कोई पॉज या रुकना नहीं है। इट कंसोलिडेट्स डेटा फ्रॉम वेरियस ट्रांजैक्शन सिस्टम्स इनटू कोहेरेंट सेट। जितने अलग अलग सोर्सेज से आपका डेटा आ रहा है उसको एक कोहेरेंट इंटीग्रेट करके वो रख दे रहा है ताकि वो एक्सेस करना ईजी होगा, ग्रुपिंग करना भी। और यहाँ पे अलाउज एनालिसिस ऑफ वर्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट करंट ऑपरेशंस ऑफ डिसीजन सपोर्ट। यहाँ पे आपका एनालिसिस भी हो जाता है, एनालिटिक्स भी हो जाएगा, तो वो आपका हेल्प भी करता है डिसीजन लेने के लिए। ओके, अब देखेंगे टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है फिजिकल डेटा वेयरहाउस। तो इट इज द एक्चुअल फिजिकल डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस इन विच ऑल द कॉर्पोरेट डेटा फॉर द डेटा वेयरहाउस आर गैदर्ड अलॉन्ग विद द स्कीमा एंड प्रोसेसिंग लॉजिक्स। तो बेसिकली ये फिजिकल लोकेशन हुआ जहाँ पे आपका सारा स्कीमा सेव रहता है डेटाबेस का। ओके, तो ये फिजिकल डेटा वेयरहाउस हो गया। अब नेक्स्ट है लॉजिकल डेटा वेयरहाउस। इट कंटेन्स ऑल द मेटा डाटा, कीवर्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो मेटा डाटा यहाँ पे स्टोर होता है। बिजनेस रूल, कैसे क्या क्या रूल्स है इस बिजनेस के बारे में, लॉजिक कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज पैकेज, जो भी इतना भी लॉजिक्स है डेटा के रिलेटेड वो सब यहाँ पे होता है। इट ऑल्सो कॉन्टेंट्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड एंड एक्सेस द एक्चुअल डेटा। यहाँ पे एक्चुअली मेन रहता है कि किस डेटा को कैसे एक्सेस करना है, क्या तरीका होगा, क्या एल्गोरिथम यूज होगा, जो यहाँ पे होता है लॉजिक डेटा वेयरहाउस में। थर्ड है डेटा लाइब्रेरी। दिस इज अ सबसेट ऑफ एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस एंड परफॉर्म्स द रोल ऑफ डिपार्टमेंटल रीजनल एंड फंक्शनल डेटा वेयरहाउस। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बढ़ जाता है डिपार्टमेंटल रीजनल फंक्शनल डेटा वेयरहाउस ताकि आसानी हो एक्सेस करना। एज अ पार्ट डेटा वेयरहाउस ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड अ सीरीज ऑफ डेटा लाइब्रेरीज। वही होता है ना कि इस लाइब्रेरी में ये पैकेज इंक्लूड है, उसमें वो डेटा मिलेगा आपको, वैसा ही सिस्टम है। इवेंचुअली देम वायर लिंक एंटरप्राइज, फिर बाद में क्या होता है सारे लाइब्रेरीज को या डेटाज को एक अलग लाइब्रेरी में या
डेटाबेस में लिंक कर देना होता है। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयर हाउस। सबसे पहला बात है कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, इतना डेटा स्टोर करने के लिए बहुत ही सेफ है और अच्छा तरीका है। बेटर एंटरप्राइज इंटेलिजेंस एनालिटिक्स का जो ये होता है वो इसके लिए बहुत इंटेलिजेंस या फ्यूचर प्रेडिक्शन डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। एनहांस कस्टमर सर्विस का भी हेल्प होता है क्योंकि डेटा वेयर हाउस बहुत जगह होता है तो एक्सेस करना या कुछ अगर डेटा आपके रिमोट लोकेशन पे है तो वो एक्सेस करना इजी होगा और कोई फॉल्ट होगा तो वो आइडेंटिफाई करना इजी होगा कहाँ फॉल्ट हुआ है। बिजनेस री इंजीनियरिंग एक नई तरीका से अब बिजनेस होने लग गया है क्योंकि डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट की वजह से। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम री इंजीनियरिंग का मतलब अब आपका डेटा भी सेव, ऐसा नया इन्फॉर्मेशन डेटा को आप इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं तो वो भी एक अलग तरीका से स्टोर हो रहा है, उसको एक अलग तरीका से सोचा गया तो री इंजीनियरिंग उसी के लिए बोला गया है। तो ये थे एडवांटेजेस और यहाँ पे टाइप्स हम लोग देखा, फिर ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, फंक्शन भी हमने देखा और डेफिनेशन भी देख लिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर कॉमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।